माला पूर्ण करिए एक बारी हमारे पीछे बोलिए हरे कृष्णा ये समझना ये जानना अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण नहीं है। तो आज इस दिव्य अवसर पर इस पावन भादुर्गढ़ आप सभी का हृदय से स्वागत करता है। अभी आप किस तरफ देखिए स्क्रीन की तरफ यहाँ पे और जो भी बाहर लोग खड़े हुए हैं वो आगे आ सकते हैं ताकि आप इस रिपोर्ट को देख सकें जो कि एनुअल रिपोर्ट है। पहली बार हम श्री श्री राधा मदन गोपाल जी श्री शिवराय चांद गौर सुंदर श्री प्रभुपाद और सभी वैष्णव वृद्ध के सामने आज एनुअल रिपोर्ट इस पावन भादुर्गढ़ टेम्पल की आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हरे कृष्ण और श्री प्रभुपाद। तो इस्कॉन भादुर्गढ़ श्री कृष्ण की ग्लोरीज को फैलाने के लिए उनका गुणगान और आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बहुत प्रयास करते हैं जिससे हम पूरे मानव समाज का भला कर सके। हमारा एक ही मोटो है सर्वे सुखिना भवन्तु कि इस प्लेनेट का इस पूरे विश्व का हर एक प्राणी सुखी हो वो आनंदित हो। आप सबको दिख रहा होगा जो लोग खड़े हो बैठेंगे तो इसी के लिए ही अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे फाउंडर आचार्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने बताया करते थे इस संसार में केवल एक ही चीज की कमी है वो है कृष्ण भावना में। अगर वो लोगों को मिल जाए तो वो वास्तविक रूप में सफल और आनंदित हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा विजन इस्कॉन भादुर्गढ़ का विजन है यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों भक्त लोग जो है इकट्ठे हों भगवान के नाम का गुणगान करें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसके पीछे हमारी कोर वैल्यूज जो कि इससे संबंधित है ध्यान देने वाली बात है। हम सब भक्तों का और खासकर सब मानव समाज के लोगों का सभी का हम केयर एंथुसियाज्म आउटरीच एंड मेडिटेशन ये चार वस्तुएं हैं जो कि हमारी कोर वैल्यूज हैं इस भादुर्गढ़ टेम्पल की। एंड नाउ इसको फुलफिल करने के लिए हम किस प्रकार से सेवा और भक्तों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो अब जो है छोटी सी रिपोर्ट है। सबसे पहले श्री श्री राधा मदन गोपाल जी और श्री श्री श्याम गौर सुंदर जी के लिए क्योंकि मुख्य केंद्र बिंदु केवल भगवान ही है ठीक है तो उनके लिए क्या क्या चीजें करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं भाग्यंसी। आज श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के सुंदर विग्रहों के जो है आप ड्रेस जो आप भगवान को ऑफर की जाती है तो ऐसे 13 आउटफिट्स भगवान को ऑफर की गई पूरे साल भर। हरि बोल क्या बोलना जोर से बोला हरि बोल। 13 ड्रेसेस पूरे साल के अंदर भगवान को ऑफर की गई और भगवान ने उसको स्वीकार किया राइट। उसके अलावा पिछले साल 2022 में 3 अप्रैल 2022 को कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा उत्सव थी और उसमें से आप में से कई भक्त लोगों ने भाग लिया था। इस बार भी 26 मार्च को फिर से रथ यात्रा आयोजित की गई है। बोले हरि बोल। आप सभी का उसमें भी स्वागत है। ये श्री राधा
मदन गोपाल जी, कृष्ण बलराम और गौरनिताय जी की प्रसन्नता के लिए है। इसके अलावा अनेक उत्सव पूरे साल भर में मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, जैसे रथ यात्रा, जैसे अनेक, जैसे आज गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी। तो ये सारे के सारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी दिव्य प्रसन्नता के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा कार्तिक महोत्सव के अंदर पूरे हरियाणा शहर के अंदर लगभग लगभग 50,000 दिए भगवान को ऑफर किए गए थे। और अलग अलग हाउस प्रोग्राम्स में जा जाकर भक्तों ने ये कार्तिक दीपदान उत्सव में सबको भाग लेने का अवसर दिया था। हरी बोल। आप में से कुछ लोग अपने भी चित्र देख सकते हैं, हो सकता है आपको अपना चित्र भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भक्तों। और उसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, कौन सा? नौका विहार उत्सव, जिसमें श्री श्री राधा मदन गोपाल जी दिव्य प्रांगण से बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं और नौका विहार में विराजित होते हैं और फिर नौका विहार उत्सव शुरू होता है। हरि बोल। और इसके अलावा जन्माष्टमी में लाखों भक्त लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी सेवा कर पाते हैं। और पिछले साल, सॉरी इस साल ही कहूंगा मैं, 1 जनवरी 2023 को एक विशेष उत्सव मनाया गया था, उसका नाम क्या था? प्रेम प्रदीप उत्सव, जिसमें हजारों भक्त लोगों ने भगवान को पहले दिन, साल के पहले दिन लैंप्स ऑफर किए थे, दिए ऑफर किए थे और भगवान को एक प्रेम का प्रदीप उत्सव जो मनाया गया था भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये भगवान को ऑफर किया था 1 जनवरी 2023 में। हरि बोल। अब अलग अलग प्रचार के कार्यक्रम, जिससे मानव समाज का भला हो, जिससे उनके हृदय में जो ये अग्नि जल रही है काम की, क्रोध की, लोभ की, बहुत दुखी है लोग, उससे संतापना ये निकल सके बाहर, उससे उसके लिए अलग अलग स्कॉन के द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं जन समाज में वास्तविक शांति और सुख प्रदान करने के लिए। सुनाओ संकीर्तन, इसलिए हमारे एक आंदोलन को बोला जाता है संकीर्तन आंदोलन। पूरे इस पूरे उत्सव में, यानी कि पूरे जितने भी उत्सव हुए संकीर्तन के, इसमें लगभग लगभग 25 संकीर्तन पूरे साल भर के अंदर उन्होंने 25 संकीर्तन निकाले, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। अलग अलग स्ट्रीट्स में, अलग अलग जगह पे, गोहाना इत्यादि अनेक शहरों के अंदर ये संकीर्तन निकाले गए पूरे साल भर और सब भक्तों ने भाग लिया। इसके अलावा हमारे विशेष कार्यक्रम है 7 Sessions, जिसको जो है कई भक्त लोग यहाँ पर अटेंड कर चुके। कितने लोगों ने 7 Sessions अटेंड किया हुआ है? नहीं किया तो अभी भी मौका है, बाहर हमारे जो काउंटर्स बने होते हैं, तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे 7 Sessions एक समझने के लिए कि भगवत गीता का संदेश हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, असली आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो होता क्या है, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर इस 7 Sessions में दिए जाते हैं। और जिसको ये आप देखेंगे गोहाना के अंदर 7 Sessions कंडक्ट किया गया। बोली हरि बोल। रोहतक के अंदर 7 Sessions, 2 7 Sessions हो चुके हैं 2022 के अंदर। बोली हरि बोल। उसके अलावा 1,000 लोग जो है इस 7 Sessions को 2022 के अंदर जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया है, उन सभी के लिए हरि बोल। इसके अलावा भगवत गीता का संदेश जन समाज तक पहुंच सके, इसके लिए पूरे साल भर भक्त लोग मेहनत करते हैं और भगवत गीता को फ्री में बांटने का
प्रयास करते हैं ताकि लोगों के पास संदेश हो सके। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण लोग दुखी हैं। इसलिए उनको ज्ञान बांटने के लिए फ्री भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और जान के बहुत हर्ष होगा, जन्माष्टमी के दिन ही लगभग 3000 भगवत गीता इस्कॉन बहादुरगढ़ मंदिर में सबको फ्री में गिफ्ट दी थी। हरि बोल। और बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चे जो कि हमारा भविष्य है, उनके लिए बहुत जरूरी है आज से संस्कार देना। मैं आज एक बात कर रहा था कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को संभालना, क्योंकि बुरे संस्कार ज्यादा है, अच्छे संस्कार कम है। इसके लिए हमारा गोपाल्स गार्डन स्कूल जो कि वीकली क्लासेस है, लगभग 13 बैचेस पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पे चल रही है, जिसमें बहादुरगढ़ और रोहतक के अंदर विशेष रूप से ये बैचेस चल रहे हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए ये विशेष कार्यक्रम होता है। और इसके अंदर भी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला कार्यक्रम कराया जाता है 3-day session, जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और राइट वैल्यूज, चरित्र का निर्माण जो है हम करने का प्रयास करते हैं हम बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। बोले हरि बोल। उसके अलावा इस पूरे इस बहादुरगढ़ के अलावा अनेक स्थान है जहां पर बहादुरगढ़ से प्रचार कार्य चल रहा है, और इन अलग अलग शहरों के अंदर कृष्ण भक्ति या वास्तविक सुख और शांति का संदेश जो है दिया जा रहा है, जिसमें दादरी, भिवानी, गोहाना, झज्जर, टिकरी कला, हिरण कूदना, सांपला, महेंद्रगढ़, रोहतक इत्यादि अनेक स्थान हैं जहां पर ये हरे कृष्णा उत्सव और वीकली कार्यक्रम, मंथली कार्यक्रम जो है इस प्रकार से किए जा रहे हैं। हरि बोल। ये उसकी कुछ झांकियां हैं, कई कार्यक्रम इस प्रकार से, ये दादरी में कार्यक्रम है, ये टिकरी कला में कार्यक्रम है, और इसके अलावा इस बात बहादुर पर प्रयास करते हैं कि जहां जहां पे हम संदेश दें, जहां जहां पे हम लोग जो है प्रचार करें, वहां पर हमारा मीडिया में भी विजिबिलिटी हो, हम मीडिया के द्वारा भी प्रचार कर सकें। इसके लिए हमारे विक्रम ऐश्वरी प्रभु बहुत प्रयास करते हैं और अनेक न्यूज पेपर्स के अंदर ये आपको दृष्टांत देखने को मिलेगा। हरि बोल। इसके अलावा सिर्फ संदेश के ऊपर नहीं, परंतु साथ साथ फूड फॉर लाइफ यानी कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इस बार बहादुरगढ़ बहुत आगे है। आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे, पूरे साल भर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इस बार बहादुरगढ़ के द्वारा। हरि बोल। और पुस्तक वितरण के अंदर, जैसे आपने पहले बताया कि भाद्र पूर्णिमा में लगभग 50 से ऊपर सेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए भागवतम के। हरि बोल। और साथ ही साथ इसको पूरे विश्व भर में 700 केंद्र हैं, उन 700 केंद्रों के अंदर गीता मैराथन यानी कि दिसंबर महीने के अंदर मीडियम टेम्पल में 3rd position में रहा। हरि बोल। और गांव गांव में जाकर लगभग अभी 30 गांव हम लोग कवर कर चुके हैं, हमारे यहाँ पे हरिओम दलाल को होंगे तो बता सकते हैं, 30 गांव कवर कर चुके हैं जहां पर जा जाकर भक्तों भगवत गीता बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उन लोगों को सही संदेश देते हैं ताकि वो वास्तविक सुख के मार्ग के अंदर वापस दौड़ सके। बोले हरि बोल। और इसमें खासकर हमारी माताएं जो है वो बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ती हैं और आगे जाती हैं, उसके लिए हम बाकी लोगों को भी प्रेरित करना चाहेंगे वो भी जाएं और गांव गांव में जाकर लोगों को संदेश लेकर आए। अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम लोग पहुंच जाएंगे, ध्यान दीजिए बात को। और इस प्रकार से जो है कन्वर्जन बढ़ता जा रहा है, हरियाणा के अंदर भी जो है इस प्रकार का कन्वर्जन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं।
राइट। उसके अलावा झज्जर के अंदर गीता महोत्सव हुआ, रोहतक के अंदर गीता महोत्सव हुआ, उसके अंदर भी हमारे भक्तों ने जा जाकर वहां पर फ्री में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमारे युवा लोग कहां जाएंगे, युवा लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम रहता है, क्योंकि आजकल के युवा मिसगाइडेड है। आधुनिक समाज के अंदर नशा है ना, बहुत सारे जो है तनाव के केंद्र बनते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे युवा लोग सुसाइड करने के लिए जो है कई ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास में। उन सबको गाइड करने के लिए इसको आप क्या कर रहे हैं, देखिए इसके लिए हमारे रोहतक में एक भक्ति वेदांत अकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन नाम से एक बेस है, जहां पर हम प्रति सप्ताह दो कार्यक्रम उनके लिए करते हैं, जिसमें लगभग लगभग 100 से ज्यादा यूथ जुड़े हुए हैं। बोली हरि बोल। इसके अलावा मास लेवल पे इस्पात धातुगढ़ ने पिछले साल ही एमटीयू के अंदर एक विशेष कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर 1200 से 1300 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। हरि बोल। और साथ ही साथ इस्पात धातुगढ़ में 300 से ज्यादा बच्चों ने इस साल हमारे 4-day सेशन प्रोग्राम और डिवाइस प्रोग्राम्स के अंदर रजिस्टर किया, और आज जो है आपके सामने वो कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं। हरी बोल। और इस प्रकार 4 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, 7 आउट सेशन कैंप्स, बहुत सारे कैंप्स इत्यादि होते रहते हैं बच्चों के लिए, जिससे वो एक तनाव भरी जिंदगी से बाहर निकलकर वास्तविक सुख की तरफ आगे बढ़ सके और एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, राइट माइंडसेट से चल सके और अपने जीवन को सफल बना सके। हरी बोल। और इसको लीड कर रहे हैं हमारे इंद्रस नाम के लोग। इसके अलावा हमारा स्पॉन गर्ल्स फॉरम, यानी कि जो गर्ल्स हैं लड़कियां, उनके लिए भी एक अलग कार्यक्रम जो कि लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है, बहादुरगढ़ में और रोहतक में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके लिए बाहर हमारे काउंटर्स लगे हैं, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे अनेक कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भक्त लोग जुड़ते हैं, ये तो इनिशियल प्रोग्राम हमने बताए, परंतु साथ साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके केयर करने के लिए ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो लोग पूरे साल भर करते रहते हैं। जिस प्रकार जैसे आप देखेंगे मायापुर यात्रा, यहाँ से लगभग लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर दूर श्री मायापुर धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। पिछले साल 2022 में यात्रा गई और वहां पे लगभग लगभग 180 डिवोटीज इस्पात धातुगढ़ से पहली बार मायापुर धाम में गए। हरि बोल। ऐसी यात्राएं रेगुलर लेवल पे होती रहती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण केंद्र अनेक जगह पे होते रहते हैं, मीरा रोड इत्यादि के अंदर कई लोग आकर यहाँ पर भी ट्रेनिंग लेते हैं, और वृंदावन इत्यादि में भी इस प्रकार से ट्रेनिंग चलती रहती है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं दासानुदास बैच 2022, और अभी कुछ समय पहले ही जनवरी के अंदर वृंदावन में भी एक कैंप गया, यात्रा गई, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा भक्त लोग साथ में गए। हरि बोल। और जो आगे बढ़कर दीक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम रहता है डिसाइपल्स मीट, तो यह भी रेगुलर लेवल पे वो होता रहता है। हरि बोल। तो हम श्री राधा मदन गोपाल जी के चरणों में निवेदन करते हैं, श्री ताई चांद गौर सुंदर के चरणों में निवेदन करते हैं कि हमारी छोटी सी ऑफरिंग को स्वीकार करें और हमें शक्ति दें, हमें बल दें, हमें बुद्धि दें, ताकि हम अभी जो एफर्ट किए हैं उससे दुगना तिगुना और एफर्ट कर सकें और आप सभी भक्तों के वास्तविक लाभ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आप भी जुड़िए इस कार्यक्रम से और वास्तविक सुख और शांति का मार्ग को स्वीकार करिए और इसको आस्वादन करिए, है ना। जैसे कहते हैं ना, जब तक रसगुल्ला है आपके हाथ में परंतु आपके मुंह में नहीं है, तब तक उसका टेस्ट नहीं होता लगता,
रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको चखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अभी आपने देखा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपने जीवन को वास्तविक समझ में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्री भगवान की और भगवान की जय। तो अभी ओवर टू यू।